मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत का कैनेडियन आवाम के लिए खुला खत। खत में पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा के साथ जारी मुज़ाकरात की तफसीलात मौजूद हैं। PSAC ने खत को अच्छा सिग्नल करार दे दिया। कैनेडा माहौलियाती इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के हामियों के लिए अच्छा सप्लायर हो सकता है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कैनेडा और इत्तेहादी रूस और चीन जैसे ममालिक पर इन्हिसार कम करने की कोशिश करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने जर्मन सदर के साथ मसरूफ दिन गुजारा। कैनेडा की जानिब से सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के नए मुहायदे का खैर मकदम। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने शहरियों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि इनखिला की कार्रवाई चैलेंजिंग हो सकती है। 2022 में अमेरिका ने सबसे ज्यादा 877 अरब डॉलर दिफाई अखराजात पर सर्व किए। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 292 अरब डॉलर के साथ दिफाई अखराजात में दूसरे नंबर पर रहा। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 19 अरब 90 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद मुहैया की। सूडान में जंगबंदी के दौरान झड़पें, मिस्री सफारतकार हलाक। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान में होने वाली लड़ाई से पूरा खत्ता मुतासिर हो सकता है। सूडान में जंग के दौरान कई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को निकालने का अमल जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. PSAC के सदर ने कैनेडियन हुकूमत के खुले खत में मालूमात की दुरुस्तगी की तस्दीक की और कहा कि वो इसे अच्छे सिग्नल के तौर पर लेते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा हुकूमत ने पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के साथ जारी मुज़ाकरात में चार अहम शोबों पर अपनी पोजीशन का खाका कनाडा के बाशिंदों को लिखे गए एक खुले खत में पेश किया, जिससे उसकी सौदेबाजी की हिकमत अमली में तब्दीली आई है। ट्रेजरी बोर्ड की सदर मोना फॉर्टियर ने लिखा कि उजरत में इजाफा, टेलीवर्क के इंतजाम पर कंट्रोल, काम के ठेके पर पाबंदी और साइज कम करने की सूरत में सीनियर अमले के लिए तरजीह के चार अहम मुतालबात बाकी हैं। उसने खत में कहा, मुज़ाकरात का ये दौर दोनों फरीकों के लिए एक भारी वजन रहा है। ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा सेक्रेटेरिएट, सरकारी महकमा जो कि बराए नाम ब्यूरोक्रेट्स का आजर है, ने खत में चारों शोबों में से हर एक में अपनी सौदेबाजी की पोजीशन की तफसीलात को अपडेट या दोहराया है। PSAC के सदर क्रिस एलवर्ड ने खत में मालूमात की दुरुस्तगी की तस्दीक की और कहा कि वो इसे अच्छे सिग्नल के तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा, मैं दरअसल इस खत को जारी करने के लिए वजीर की तारीफ करता हूं। ये पहली बार है कि फ्रॉटियर्स ने हकीकत में हमारे तरजीही मसाइल को मेज पर रखा है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा जैसी जमहूरियतें ऐसी अशिया की काबिल एतमाद सप्लायर्स हो सकती हैं जो माहौलियाती इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी दोनों की हिमायत करती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा जैसी जमहूरियतें ऐसी अशिया के काबिल एतमाद सप्लायर्स हो सकती हैं जो माहौलियाती इस्तेहकाम और कानून के हुक्मरानी
दोनों की हिमायत करती हैं। ट्रूडो ने एक सरकारी दौरे पर कनाडा आने वाले जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर के साथ मुख्तलिफ तकरीबात में एक मसरूफ दिन गुजारा। ट्रूडो ने कहा कि अगर आलमी कंपनियां अपनी दरामदात को माहौलियाती जिम्मेदारियों और गुलामों की मजदूरी पर पाबंदी लगाती हैं तो वो कनाडा जैसे ममालिक में तैयार होने वाली अशिया की तरफ रुजू करेंगी। इससे कनाडा को लिथियम कानकुनी जैसी सनअतों में आलमी रहनुमा बनने का मौका मिलेगा। ट्रूडो ने कहा जमहूरियतें वो काबिल एतमाद फराहम कुनंदा भी हो सकती हैं जो हकीकत में अहम हैं। उनके तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए जब कनाडा और उसके इत्तेहादी एक दूसरे के साथ मजीद काबिल एतमाद सप्लाई चेन कायम करने और रूस और चीन जैसे ममालिक पर इन्हिसार कम करने की कोशिश करते हैं जो इस इन्हिसार का फायदा उठाकर खारजा सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रूडो ने कहा कि सरमायाकार मजबूत समाजी तहफ्फुज के जाल वाले ममालिक के इस्तेहकाम को पसंद करते हैं और उन्होंने इस्तदलाल किया कि कैनेडियन साख्ता सामान भी इससे ज्यादा दिलकश है जिसे उन्होंने चीन से सस्ती लिथियम बैटरियां कहा है। उनका मजीद कहना था कि हमें यकीनी तौर पर ऐसे फैसलों का खतरा नहीं होना चाहिए जो रूस या चीन जैसे ममालिक हमारी खुशहाली और हमारे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकते हैं क्योंकि वो हमारी सियासत या हमारी सिम से मुत्तफिक नहीं है। कैनेडियन हुकाम सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के नए माहदे के ऐलान का खैर मकदम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के नए माहदे के ऐलान का खैर मकदम कर रहे हैं। हालांकि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने खबरदार किया है कि मशरकी अफ्रीकी मुल्क में सूरत हाल किसी भी इनखिला की कार्रवाई को चैलेंजिंग बनाती है। जनरल वैन आयर ने पीर की सपहर सेंट की दिफाई कमेटी को बताया कि हमने पिछले 96 घंटों के दौरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं कि कैनेडियन महफूज हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि गैर जंगी इनखिला की कार्रवाई के लिए बुनियादी ढांचा महदूद है। आयर ने कहा खरतूम का मरकजी बैन अल-अक्वामी हवाई अड्डा बंद है। खरतूम के इलाके में कोई भी दूसरा एयर हेड बहुत महदूद है। वजीर दिफा अनीता आनंद ने कमेटी को बताया कि कनाडा इत्तेहादियों के साथ कैनेडियन शहरियों को निकालने की कोशिशों पर काम कर रहा है। हमने अपने सिफारतकारों को निकाल लिया है और हम आम तौर पर कैनेडियनों के लिए इजाफी इख्तियारात और हंगामी मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली ने कहा कि कैनेडा सूडान में मौजूद तमाम कैनेडियन से राबता करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने हुकूमत के साथ इंदराज कराया है और उन्होंने हर उस शख्स से मुतालबा किया जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है फौरी तौर पर राबता करें। एक दिफाई थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फौजी और दिफाई अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इनका हजम 22 खरब 40 अरब डॉलर तक पहुँच गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलसल 8वीं साल आलमी दिफाई अखराजात में इजाफा देखने में आया है और ये बढ़कर तकरीबन 22.5 खरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। एक दिफाई थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फौजी और दिफाई अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उनका हजम 22.4 खरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के बाद चीन फौजी अखराजात के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा। चीन ने 2021 के मुकाबले में 4.2% इजाफे से गुज़िश्ता बरस 292 अरब डॉलर दिफाई अखराजात की मद में सर्व किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोपीय दिफाई अखराजात में 13% की शरह से इजाफा हुआ। ये 30 साल में दिफाई अखराजात में इजाफे की सबसे तेज़ रफ्तार शरह है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इसकी ज़्यादातर वजह रूस का यूक्रेन पर हमला है, ताहम मुमकिन रूसी जहरियत के खदशात के पेश नज़र दीगर ममालिक ने भी अपने दिफाई अखराजात में इजाफा किया है। थिंक टैंक के मुताबिक 2022 में यूक्रेन के दिफाई अखराजात 6 गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गए। दिफाई अखराजात का ये हजम खाम मुल्की पैदावार के 34% के मसावी है। इसी तरह रूस के दिफाई अखराजात गुज़िश्ता बरस 9.2% की शरह से बढ़कर 86.4 अरब डॉलर हो गए जो GDP के 4.1% के मसावी है। 2022 में दिफाई अखराजात के लिहाज से अमरीका सर फहरिस्त मुल्क रहा जिसने इस मद में 877 अरब डॉलर खर्च किए जो मजमू आलमी दिफाई अखराजात के 39% के बराबर है। थिंक टैंक के मुताबिक अमरीकी दिफाई अखराजात में इजाफा यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमरीका ने यूक्रेन को 19.90 अरब डॉलर की फौजी इमदाद मुहैया की। सूडान में जंगबंदी के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी है जबकि मिस्र के एक सिफारतकार भी लड़ाई के दौरान हलाक हो गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
सूडान में जंगबंदी के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी है, जबकि मिस्र के एक सिफारतकार भी लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब के दौरान एंटोनियो गुतरेस ने यूक्रेन और सूडान के बहरान पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि सूडान में होने वाली लड़ाई पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, जिससे मजीद आलमी मसाइल जन्म लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि सूडान के दारुल हुकूमत में वाकया सिफारत खाने में तैनात मिस्र के मौवन इंतजामी अताशी एक झड़प में हलाक हो गए। मोहम्मद अल गरूरी जंग के बाय सूडान में फंसे मिस्री शहरियों के इनखिला के दौरान गोली लगने से हलाक हुए, जबकि वो सिफारत खाने की जानिब जा रहे थे। सूडान में जंग के दौरान कई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को निकालने का अमल जारी है, जबकि झड़पों और खूनरेज लड़ाइयों में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 400 से मुतजावज हो चुकी है और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि अमरीका और सऊदी अरब की मुआवनत से सूडान में मुतहरिब फरीक पी के रोज से आइंदा 72 घंटों के लिए जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में सूडानी फौज और नीम फौजी दस्ता रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन 72 घंटों की जंग बंदी तय पाई। उन्होंने बताया कि 2 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में सूडानी फौज और नीम फौजी दस्ता रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन 72 घंटों की जंग बंदी तय पा गई। अमरीका ने सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज से जंग बंदी पर अमल की अपील करते हुए कहा है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीका इलाकाई और आलमी शराकत दारों के अलावा सूडानी सिविलियन इदारों के साथ मिलकर काम करेगा। याद रहे कि सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और मुल्की फौज के दरमियान जंग जारी है, जिसके नतीजे में पहले ही सियासी बहरान के शिकार मुल्क में अदम इस्तेहकाम और अमनो अमान की मख्दूश हालत मजीद अबतर हो गई। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.